जब यूनिवर्सिटी के पास अपने परमानेंट एम्प्लाई नहीं है, तो जो चुनौतियां हैं इस क्षेत्र की, उससे आप कैसे निपटेंगे? और आपको क्या लगता है कि शासन तकनीकी शिक्षा या शिक्षा को लेकर के कितना गंभीर है, जबकि आपका जो प्रस्ताव है वो शासन के पास बहुत पहले से पड़ा हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे इस समय हमारे पास सबका सहयोग हमें मिल रहा है, और मेरा ये विश्वास है कि बहुत शीघ्र कमियां जो भी हमारे संस्थान को खड़ा करने में रही हैं, और इनका सबका बहुत शीघ्र निवारण होगा, और एक विश्वविद्यालय जिस गति से प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए, हम ज़रूर उसकी तरफ बढ़ेंगे। महिला होने के नाते इस राज्य की लाखों महिलाओं का आप रोल मॉडल बन सकती हैं, महिला सशक्तिकरण का, अगर मैं कहूं कि आप एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूं कि बाय बर्थ हम लोग बहुत जेनेटिक बायोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, और हम लोग हमारे को चैलेंजेस लेने का और चैलेंजेस को फेस करने का एक नेचुरल ईश्वर ने शक्ति प्रदान करी है। शख्सियत से संवाद में इस बार देखिए यूटीयू की रजिस्ट्रार डॉक्टर अनीता रावत को 6 सितंबर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ साधना प्लस पर।